ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि ऐसा ही एक और मामला यूपी के मुरादाबाद से सामने आया है। जी हां, मुरादाबाद में निजी अस्पताल के डॉक्टर पर नर्स को बंधक बनाकर रेप का आरोप है। डॉक्टर ने वार्ड बॉय की मदद से नर्स को कमरे में बंद कर वारदात को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। कोलकाता जैसे कांड पर देशभर में आक्रोश के बीच मुरादाबाद में नर्स से रेप की घटना सामने आई है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस ने फिलहाल तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों से पूछताछ की जा रही है। परिजनों ने घटना पर आक्रोश जताया है। बताया गया कि तीनों आरोपी विशेष समुदाय से आते हैं। दरअसल ठाकुर द्वारा थाना क्षेत्र के MBM अस्पताल में एक दलित महिला नर्स के तौर पर काम करती है। दलित महिला नर्स का आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टर शहनवाज ने वार्ड बॉय जुनैद और महिला नर्स महनाज के साथ मिलकर रेप किया। पीड़िता ने इसकी शिकायत CMO से भी की है। इसके बाद CMO मुरादाबाद कुलदीप सिंह अस्पताल पहुंचे। वहीं पीड़िता के पिता ने तहरीर में आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को एक नर्स ने बताया कि डॉक्टर ने उसे बुलाया है। जब बेटी ने जाने से इनकार कर दिया तो वार्ड बॉय जुनैद और महनाज उसे जबरदस्ती अस्पताल के ऊपर बने कमरे में ले गए और बाहर से गेट लॉक कर दिया, जिसके बाद डॉक्टर ने रेप को अंजाम दिया और जान से मारने की धमकी दी। वहीं घटना को लेकर SP संदीप कुमार मीणा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मुरादाबाद जनपद के ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र में दिनांक 18/8/2023 को एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें प्रार्थी ने बताया कि उसकी बेटी जो कि एक क्लिनिक के अंदर नर्सिंग कर्मी है, उसी क्लिनिक के डॉक्टर द्वारा उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के आधार पर तीन व्यक्तियों को नामजद किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति का नाम है शहनवाज जो कि इस हॉस्पिटल का डॉक्टर है, और दूसरा व्यक्ति है जुनैद, और इसमें एक महिला है जिसका नाम है महनवाज। और इन तीनों व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज किया गया, और मुकदमा BNS की धारा 61(2), 64(2), 151(2), 127(2) और SC/ST के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद थाने स्तर पर एक टीम गठित की गई और तीनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर ली गई। पीड़िता का मेडिकल कराया गया है और विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन की दृष्टिगत हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया है, और विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद से CNews संवाददाता दानवीर सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है। पीड़िता के पिता की शिकायत पर डिलारी थाने में मामला दर्ज कराया गया है। मामले में आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों वार्ड बॉय को भी हिरासत में लिया गया है। उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए CNews भारत।